सो डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने आइंस्टीन का फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन देखा था। अब उसके बाद फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन के बाद जो फाइनली जो इक्वेशन मिली थी, अगर न्यू फ्रीक्वेंसी की जो लाइट आपने इंसिडेंट की है देन, और न्यू जीरो उस मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं, पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन कराने के लिए जस्ट जरूरी हो। उससे कम अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी, उससे कम अगर फ्रीक्वेंसी होगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम, तो फिर फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा। तो जब न्यू फ्रीक्वेंसी की आप लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो एच न्यू विल बी इक्वल टू एच न्यू जीरो, दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। एच न्यू जीरो क्यूमुलेटिवली कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो जो भी एनर्जी आप दे रहे हो दो जगह डिस्ट्रीब्यूट होती है, एक तो इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन में, दूसरा काइनेटिक इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कराना। बाकी सब अपन लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन कल देख चुके हैं। अब इसके बाद अगला है, अच्छा जो अपन ने फिनोमिनो देखी थी, जैसे कुछ फिनोमिनो वेव नेचर एक्सप्लेन कर सकता है लाइट की, कुछ फिनोमिनो पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन करता है। तो ये जो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर के बीच में डायलिम्मा है, मतलब दोनों ही थ्योरीज अपनी अपनी जगह सही है। वेव नेचर अपनी जगह सही है, जैसे वेव नेचर से आप क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप अगर ट्वेल्थ में फिजिक्स में पढ़ेंगे ऑप्टिक्स में, वेव नेचर से आप इंटरफेरेंस एक्सप्लेन कर सकते हैं, सिंपल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ट्रांसलीनियर प्रोपोगेशन, ये सब आप वेव नेचर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है आपका, उसके बाद फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन है, ये जो फिनोमिनो है, ऐसी कुछ फिनोमिनो आप वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ये सिर्फ पार्टिकल नेचर से ही एक्सप्लेन की जा सकती है। सबसे पहले कंसेप्ट पार्टिकल का कि लाइट पार्टिकल फॉर्म में होती है, न्यूटन ने दिया था, न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी बोलते थे उसको, जिसने बोला था न्यूटन ने कि लाइट पार्टिकल के फॉर्म में ट्रेवल करता है, बाद में उन्हीं पार्टिकल्स को फोटोन कहा गया। तो बेसिकली पार्टिकल थ्योरी लाइट की ये मानती है कि लाइट जो है वो छोटे छोटे बंडल्स के फॉर्म में एनर्जी ट्रांसमिट करता है, दिस स्मॉल बंडल्स आर कॉल्ड फोटॉन्स। तो ये जो फोटोन है बेसिकली एक रे है, ये बहुत सारे फोटोन का एक बंच है, एक रे जो आप देखते हैं एक फोटोन का बंच है अकॉर्डिंग टू कॉर्पस्कुलर और पार्टिकल थ्योरी। तो पार्टिकल, एक फोटोन जाता है, एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराता है, रेस्ट ऑफ द एनर्जी फोटोन विल बी यूज्ड एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये सब देख चुके हैं अपन। अब आते हैं ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन में क्या है। तो ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन में बेसिकली अपन इसका वेव नेचर देख चुके हैं, दूसरा आता है आपका वेव नेचर से स्पेक्ट्रम वगैरह सब अपन ने देखे थे, स्पेक्ट्रम बेसिकली वेव नेचर का पार्ट है। दूसरा अपन ने देखा था, अपन बोल रहे हैं जो ड्यूल नेचर है वो है पार्टिकल नेचर। तो पार्टिकल नेचर से कौन कौन सी थ्योरी एक्सप्लेन की जा सकती है, आप फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो पैटर्न है वो पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पार्टिकल नेचर बेसिक जो है उसके अकॉर्डिंग एक इक्वेशन आती है जो डी ब्रॉगली इक्वेशन बोलते हैं उसको, डी ब्रॉगली इक्वेशन। वो ये कहता है कि अगर कोई फोटोन जिसकी कोई लाइट जिसकी फ्रिक्वेंसी न्यू है उसकी एनर्जी होती है ई इज इक्वल टू एच न्यू, ई इज इक्वल टू एच न्यू। और वेव थ्योरी में अपन जानते हैं कि अगर कोई मास एम मास का पार्टिकल वी वेलोसिटी से ट्रेवल करता है तो उसकी एनर्जी होती है एम वी स्क्वायर। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जैसा नेचर ड्यूल नेचर लाइट का है वैसा का वैसा ही ड्यूल नेचर मटेरियल का भी है, ठीक वैसा ही जिस तरह से लाइट भी उसके जैसा बिहेव करता है, किसके जैसा, पार्टिकल जैसा। लाइट ऑल्दो एक वेव है, अपन जानते हैं वेव कंसेप्ट वेल एस्टेब्लिश कंसेप्ट है, उसके बाद क्योंकि ये कुछ फिनोमिनों पर वेव नेचर से नहीं एक्सप्लेन की जा सकती, उसके बाद पार्टिकल नेचर को भी एक्सेप्ट किया गया लाइट के, वाइल्ड लाइट पार्टिकल जैसा बिहेव करता है। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि अगर एक वेव पार्टिकल जैसा बिहेव कर सकती है तो क्यों एक पार्टिकल वेव जैसा बिहेव नहीं कर सकता। तो उसके बाद मटेरियल में जो वेव लाइक कैरेक्टरिस्टिक होंगे, मटेरियल में जो वेव लाइक कैरेक्टरिस्टिक होंगे उनको ये डी ब्रॉगली इक्वेशन दिखाती है। तो उसके हिसाब से जब कोई सब न्यू फ्रिक्वेंसी जिसकी है, अगर कोई ऐसा रेडिएशन है, अगर वेव है, तो उसकी एनर्जी होती है ई इज इक्वल टू एच न्यू, और या इसको आप बोल सकते हैं एच सी, सी वेयर सी इज द स्पीड ऑफ रेडिएशन, एच सी बाय लैम्ब्डा। अभी मैं सी को वी लिख रहा हूँ बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रेडिएशन, वी आर टॉकिंग अबाउट मटेरियल मैटर एज अ रेडिएशन। तो ये जो वी है यहाँ पे, ये न्यू है, ध्यान रखना ये न्यू है,
और ये भी है तो एच वी बाय लैम्बडा। तो ये जो दो इक्वेशन बनी हैं, इन दो इक्वेशन, दूसरा ही पहले इक्वेशन होगा जब उसकी न्यू फ्रिक्वेंसी हो तो उसकी एनर्जी इतनी होगी। सेम अगर कोई एम मास का पार्टिकल अगर वी वेलोसिटी से जाता है, और अपन वैसे जनरली बात करते हैं कोई एम मास का पार्टिकल वी वेलोसिटी से जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती हाफ एम वी स्क्वायर। कितनी होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। अगर ये वी सी के कंपेरेबल है, सी स्पीड ऑफ लाइट, अगर ये वी सी के कंपेरेबल है तब उसकी एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर नहीं होती, फिर उसकी वजह हो जाती है एम वी स्क्वायर की, हाफ एम वी स्क्वायर की ठीक दूनी एम वी स्क्वायर। तो ये जो दो इक्वेशन है उनको जब अपन इक्वेशन वन इज इक्वल टू टू इक्वेट करते हैं, देन वी गेट एच न्यू बाय लैम्ब्डा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। वी कैंसिल हो गए, वी गेट एच बाय लैम्ब्डा इज इक्वल टू एम इंटू वी, और लैम्ब्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, लैम्ब्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। तो ये एक डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोलते हैं इसको। किसी पार्टिकल की अगर वो वी वेलोसिटी से ट्रेवल करता है तो उसकी जो वेवलेंथ होगी, और उसका मास अगर एम हो तो जो उसकी एसोसिएट उसके साथ जो एसोसिएटेड वेवलेंथ होगी वो होगी एच अपॉन एम वी, वेयर एच इज द प्लैंक कॉन्स्टेंट। इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं बुक में। अब एम मास है तो वेलोसिटी में जानते हैं फिजिक्स में होता है मोमेंटम, तो एच अपॉन पी भी लिखते हैं इसको, लैम्ब्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, वेयर पी इज द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। तो ये बेसिकली ड्यूल नेचर से डी ब्रॉगली कंसेप्ट आई है कि मटेरियल में भी वेवलेंथ एसोसिएटेड होती है। तो ड्यूल नेचर के बाद बारी आती हुआ थी स्पेक्ट्रम की। ड्यूल नेचर ऑफ मटेरियल अपन लेटर बाद में फिर डिस्कस करेंगे जब इलेक्ट्रॉन को अपन एज ए वेव मानेंगे, और वो जो अभी अपन ने जो डिस्कस किया वो सिर्फ एक ऐसा रफ एस्टिमेशन था, उसका ऑप्टिक्स वाले लाइट से कुछ लेना देना नहीं है। जो अपन ने लैम्ब्डा इज इक्वल टू एच अपॉन न्यू देखा है, एच अपॉन पी देखा है, वो बेसिकली मटेरियल की या मैटर की वेवलेंथ ही अगर वो सी कम वेलोसिटी विद वेलोसिटी कंपेरेबल टू लाइट अगर ट्रेवल करता है। अब आगे आते हैं अपन स्पेक्ट्रम से। अपन पिछले लेक्चर में इसके पहले वाले में शायद आप देख चुके हैं स्पेक्ट्रम क्या होते हैं। स्पेक्ट्रम देखा था अपन ने वाइट लाइट को, जब आप प्रिज्म से क्रॉस करते हैं तो आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में वेवलेंथ रेंज मिलती है, तो उस ऑर्डर को ही अपन उसका क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। बेसिकली वाइट लाइट को जब आप प्रिज्म से पास करवाते हैं तब जो आपको स्पेक्ट्रम मिलता है दैट इज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। व्हाई कंटिन्यूअस? बिकॉज वन वेवलेंथ मर्जेस इनटू अनदर, यू कैन नेवर डिस्टिंग्विश बिटवीन वेयर वन एंड वन वेव इज गोइंग टू एंड एंड अनदर वन इज गोइंग टू स्टार्ट। ए ट्रांजिशन जोन, बोथ ऑफ द वेवलेंथ मर्जेस इन ईच अदर, इसलिए आप कभी भी पता नहीं कर सकते कौन सी वेवलेंथ खत्म हो रही है, कौन सी कब फिनिश हो रही है, कब स्टार्ट हो रही है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सब कलर आपस में मर्जेस रहते हैं। दैट इज नो क्लियर कट डिस्टिंग्विश लाइन बिटवीन देम। That's why this is called continuous spectrum. That is, spectra of sunlight is a continuous spectrum. अब दूसरा स्पेक्ट्रम आता है जो अपन अभी देखेंगे, वो है लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम इज ए नॉन कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, वो कंटिन्यूस नहीं होता। इसका मतलब क्या है, आप कब एक वेवलेंथ खत्म हो रही है और दूसरी कब स्टार्ट हो रही है ये आप पता कर सकते हैं। देयर इज ए डेड जोन बिटवीन देम, बिटवीन बोथ ऑफ दी वेवलेंथ। दैट्स वाई वी कॉल दिस लाइन स्पेक्ट्रम, क्योंकि आपको जो वेव अपियर होती है वो लाइन जैसी अपियर होती है। एक वेव की लाइन हुई, फिर डेड जोन, फिर दूसरे वेव की लाइन, फिर डेड जोन, फिर तीसरे। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम। अब बेसिकली जो आप स्पेक्ट्रम जितना सिंपल आप समझते हैं उतना सिंपल है नहीं। अच्छा, एक और बात बता दूँ कि साइंस की वो ब्रांच जिसमें आप स्पेक्ट्रम की स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत टाइप की होती है, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, विजिबल लाइट की स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जितनी भी वेवलेंथ है उतनी स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। अच्छा, इसमें बोल रहा था कि जितना आप समझते उतना भी आसान नहीं है। ऐसा इसलिए कि स्पेक्ट्रम सिर्फ ये नहीं है कि आपने एक वाइट लाइट को प्रिज्म से ट्रेवल कराया तो वो अपने कंपोनेंट्स में टूट गई, 7-7 कलर डिफरेंट कलर कंपोनेंट या 7 डिफरेंट वेवलेंथ्स में स्कैटर स्प्लिट आउट हो गई है, स्पेक्ट्रम है, ऐसा नहीं होता। स्पेक्ट्रम बेसिकली वो बहुत सिंपल टाइप का स्पेक्ट्रम है। अब वो बेसिकली क्या हुआ, सनलाइट का आपने स्पेक्ट्रम लिया तो उसमें 7 कलर वेवलेंथ है तो आपको ऐसी दिखती है वो कंटिन्यूस टाइप की। लेकिन क्या होता है, जो अपन अर्थ पे जो अपन जो जमीन पे जो स्पेक्ट्रम करते हैं वो कुछ अलग टाइप के हैं।
वो बेसिकली लाइन स्पेक्ट्रम होते हैं, वो नॉन कंटिन्यूस होते हैं। अब होता है क्या, स्पेक्ट्रम में अपन क्या करते हैं, अपन ने कोई सैंपल लिया, जैसे सपोज करो आपको हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम चाहिए या आपको ऑक्सीजन का स्पेक्ट्रम चाहिए, तो ऑक्सीजन के स्पेक्ट्रम में आपके लिए आपने क्या करा, एक कंटेनर लिया, उसमें ऑक्सीजन को भरा, एक ग्लास कंटेनर और ट्रांसपेरेंट कंटेनर, उसमें आपने ऑक्सीजन को भरा। उस ऑक्सीजन को भरने के बाद आपने उस सैंपल को इरेडिएट किया विद सूटेबल रेडिएशन, आपने उस इरेडिएट किया उसको, इरेडिएट मतलब उस पर रेडिएशन को आपने इंसिडेंट कराया, और आप यहाँ पर एक प्रिज्म लगा के ट्रांसमिटेड रेडिएशन को देख रहे हैं, ठीक, क्या कौन सी वेवलेंथ आपको मिलेगी। जब आप साइमल्टेनियसली ट्रांसमिटेड रेडिएशन को ऑब्जर्व करते हैं, आपने सैंपल को रेडिएट किया और उसी टाइम पे आप उस जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसमें कौन कौन सी वेवलेंथ प्रेजेंट है उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो जो आपको तब जो स्पेक्ट्रम मिलता है दैट इज कॉल्ड एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्सॉर्प्शन उसको बोला जाता है एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्सॉर्प्शन क्यों बोला, अब एब्सॉर्प्शन बोलने का कारण ये है क्योंकि O2 के मॉलिक्यूल जो है, O2 मतलब O, जब O बहुत सारे एटम पर लाइट इंसिडेंट्स होती है तो इनकी जो बॉन्ड लेंथ में एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो कि एक पर्टिकुलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। आप बॉन्ड लेंथ एब्जॉर्ब कर रही है वो बेसिकली आईआर रेडिएशन, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में चले जाएंगे, पर अपन अगर एटम की बात करें कि आपने इसमें जो एटम है, एटम के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन जो ट्रेवल कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और ईच एंड इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी, तो उनको डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, तो डिफरेंट वेवलेंथ ही एब्जॉर्ब करें क्योंकि अलग अलग वेवलेंथ की एनर्जी अलग अलग होगी, उनको ना तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए ना कम, वो एक कैरेक्टरिस्टिक टाइप ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और हमेशा होगा ऐसा। तो ऑक्सीजन को जब आप रेडिएट करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ को ऑक्सीजन के एटम एब्जॉर्ब करते हैं, और अब जब वो कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर ली गई, सपोज करो आपने इस पर वाइट लाइट डाली, आपने वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड इतनी वेवलेंथ आपने डाली, इन वेवलेंथ को जब आपने डाला तो इनमें से जब आप देखते हैं तो आपको वायलेट इंडिगो मिला, ग्रीन मिला, येलो मिला, ऑरेंज मिला, रेड मिला, क्या नहीं मिला आपको, आपको ब्लू नहीं मिला। तो ब्लू नहीं दिखा, ऐसा क्यों हुआ ब्लू क्यों नहीं दिखा, बिकॉज ब्लू वेवलेंथ इज एब्जॉर्ब्ड बाय O2 मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, तो मॉलिक्यूल ने जब O2 के मॉलिक्यूल ने जब ब्लू वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया तो फिर वो ट्रांसमिट लाइट में होगी नहीं, अपसेट होगी, क्योंकि जितनी भी ब्लू वेवलेंथ आपने इंसिडेंट कराई थी वो O2 के मॉलिक्यूल ने क्या कर लिए, एब्जॉर्ब कर लिए। तो दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम विच वी गेट आफ्टर द इरेडिएशन ऑफ अ सैंपल, ड्यूरिंग द इरेडिएशन ऑफ द सैंपल इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इसको अपन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। जब जब आप ट्रांसमिटेड लाइट का स्पेक्ट्रम देखेंगे तब तक जो आपको मिलेगा वो बेसिकली एब्जॉर्प्शन होगा। ये हुआ एक केस, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो दिस इज ऑल्सो लाइन स्पेक्ट्रम क्योंकि आपको सातों के सातों कलर आपको एक लाइन के फॉर्म में दिखते हैं, यहाँ पर छः मिलेंगे आपको एक लाइन के फॉर्म में दिखेंगे, क्योंकि आपको इसमें छः इसलिए मिलेंगे क्योंकि इंडिगो और ग्रीन के बीच में ब्लू कलर एब्सेंट होगा, तो इंडिगो और अपने ग्रीन के बीच में आपको एक बड़ी काली पट्टी दिखेगी, काली ब्लैक स्पॉट दिखेगा, ब्लैक स्पॉट मीन्स देयर इज नो वेवलेंथ देयर, वहाँ पर कोई वेवलेंथ नहीं है, वहाँ लाइट ही नहीं है, ब्लैक कलर मीन्स वहाँ कुछ भी नहीं है। दूसरा आता है इमिशन स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रम सिंगुलर फॉर्म है और स्पेक्ट्रा प्लूरल है, इसलिए ध्यान रखना, कभी कभी मैं इसको स्पेक्ट्रा बोल देता हूँ जब मेरे को प्लूरल बोलना है, जब मुझे सिंगुलर बोलना है तो मैं इसको स्पेक्ट्रा बोलूँगा। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बाद इमिशन, तो इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या करते हैं, देखो यहाँ पर जो आपने बेसिकली जो लाइट देखी, आपने जो लाइट देखी वो बेसिकली एब्जॉर्प्शन के बाद जो बची हुई लाइट थी उसको देखा, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब इमिशन स्पेक्ट्रम में अपन क्या करते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम में अपन पहले सैंपल को रेडिएट कर देते हैं, अच्छा खासा रेडिएट करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम तक अपन उसको रेडिएशन इंसिडेंट करवाते हैं उस पर, तब तक अपन रेडिएशन इंसिडेंट करवा रहे हैं, अपन दूसरी लाइट को ऑब्जर्व नहीं कर रहे, सिर्फ अपन रेडिएशन इंसिडेंट करवा रहे हैं। जब आप रेडिएशन इंसिडेंट करवा चुके होते हैं उस पर, तो हम रेडिएशन का इंसिडेशन उस पर बंद करवाते हैं। अब रेडिएशन का जो इंसिडेंस आपने बंद किया है, तो बंद करने के बाद अब आप देखते हैं कि कौन सी वेवलेंथ इमिट आउट कर रहा है, क्योंकि जब आपने रेडिएशन किया तो कुछ ना कुछ वेवलेंथ का एब्जॉर्प्शन किया था, अब जब ये एब्जॉर्प्शन इसने कर लिया है तो ये कुछ ना कुछ वेवलेंथ को, उसी वेवलेंथ को वापस इमिट आउट करेगा। तो आप ऑक्सीजन के कैसे एग्जाम्पल लें,
ऑक्सीजन उस टाइम ब्लू लाइन थी, ब्लू वेवलेंथ अपन जानते हैं ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करती है, क्योंकि अपने इस अपन ने इसके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में देखा था, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में इसने ब्लू लाइन ब्लू वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया था। तो यहाँ पर भी इसने ब्लू लाइन ब्लू वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया है। तो जब आप रेडिएशन खत्म कर देंगे, रेडिएशन इनका इंसिडेंस बंद करवा देंगे, तब इसी ब्लू वेवलेंथ को ये वापस इमिट आउट करेंगे। तब जब आप स्क्रीन पर देखेंगे, जब आप इसके प्रिज्म जब आप इसको प्रिज्म क्रॉस करवाएंगे, जो भी इंसिडेंट रेडिएशन निकलेंगे उनको, तो आप देखेंगे उसमें सिर्फ ब्लू वेवलेंथ होगी, बाकी सभी जगह अंधेरा होगा। तो सिर्फ ब्लू वेवलेंथ होगी, इसको अपन बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। इसका इमिशन ऑक्सीजन का, ये फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, इमिशन स्पेक्ट्रा। सो ये जो ब्लू लाइट दिखेगी, ये सिर्फ इमिटेड रेडिएशन है जो उसने पहले अब्जॉर्ब किया था। दैट्स व्हाई दिस स्पेक्ट्रा व्हाट वी हैव गॉट आफ्टर द रेडिएशन ऑफ एग्जांपल, दिस इज कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रा। इसको बोलते हैं इमिशन। तो इमिशन स्पेक्ट्रा सिंपल, जब लाइट इमिट की जाती है तब जो स्पेक्ट्रम होगा उसको इमिशन स्पेक्ट्रा बोलेंगे, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जब एब्जॉर्प्शन के बाद जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी उसका जो स्पेक्ट्रम आप देखेंगे, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अच्छा एक और चीज, जब वेन यू मर्ज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एंड इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ द सेम सैंपल, जब आप एक सैंपल के एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रा को मर्ज करते हैं, देन यू विल गेट ऑल द वेवलेंथ वट एवर वेयर द प्रेजेंट इन इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट में जितनी भी वेवलेंथ प्रेजेंट थी वो सब आपको दिखेगी। दैट इज इमिशन स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे के पूरक हैं। आप जब जैसे ताला और चाबी जैसा है, जैसे आप अगर इमिशन और एब्जॉर्प्शन को मिलाएंगे तो आपको एक कंप्लीट सेट ऑफ वेवलेंथ मिल जाएगा जो आपकी इंसिडेंट लाइट में हुआ करता था। दूसरी चीज, अब ये अपन क्यों पढ़ने, क्यों अपन ने पढ़ा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, तो अब स्पेक्ट्रा पढ़ने के लिए पीछे बेसिक जो रीजन था वो इन दोनों के पीछे ही था। क्या होता है, एक एटम की आइडेंटिटी होती है स्पेक्ट्रम। जब अपन किसी भी स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, अब जो जनरल वे में बात करेंगे, वो जो स्पेक्ट्रम होगा वो हमेशा इमिशन स्पेक्ट्रम, किसी भी एटम का स्पेक्ट्रा जो होता है इमिशन स्पेक्ट्रा, वो उसकी आइडेंटिटी है। और ऐसा नहीं है कि एब्जॉर्प्शन नहीं है, एब्जॉर्प्शन भी है, क्योंकि अपन जानते हैं जो इमिशन स्पेक्ट्रा हुआ उसका ठीक उल्टा क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन। जो उसने इमिट आउट की वही लाइन वेवलेंथ उसके क्या होगी, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में एबसेंट होगी। तो इमिशन स्पेक्ट्रा, जैसे एक आपने हाइड्रोजन का सैंपल लिया या ऑक्सीजन का लिया था, तो ऑक्सीजन का सैंपल दुनिया में आप किसी भी जगह से लें, अगर आप कोई भी सैंपल ले रहे हैं गैस का और उस सैंपल में ब्लू वेवलेंथ एब्सेंट है, इसका मतलब कौन से ब्लू वेवलेंथ प्रेजेंट है इमिशन स्पेक्ट्रा में, ब्लू वेवलेंथ प्रेजेंट है, दैट मींस होना वो सिंपल ऑक्सीजन ही होगा। दिस इज द फिंगरप्रिंट ऑफ दी दिस पर्टिकुलर एटम, इस एटम का पर्टिकुलर फिंगरप्रिंट है। आप अपने को कैसे पता, सन या सोलर सिस्टम में जो सन है उसमें हीलियम गैस है, उसके आसपास सन के आसपास हीलियम है, सन के आसपास हाइड्रोजन है, और फ्यूजन रिएक्शन होती है। यह अपन ने उसके स्पेक्ट्रम से देखा है, वहाँ से जो लाइट होती है आउट आती है, उनके एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रम की जब अपन स्टडी करते हैं तो वो ठीक रिसेंबल करते हैं हाइड्रोजन से, ठीक रिसेंबल करते हैं हीलियम से। तब पर अपने को पता चला, अच्छा वहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम नाम की दो गैसेस रहती हैं, वहाँ कौन गए थे देखने। चलिए इसके बाद एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रम खत्म करने के बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अगला जो टॉपिक है वो है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो उसके लिए अपने को कुछ बातें जानना जरूरी है कि हाइड्रोजन एटम का लाइन स्पेक्ट्रम मतलब क्या, क्योंकि जितना सिंपल आप समझ रहे उतना होगा नहीं। क्या होता है, ये सपोज कीजिए एक न्यूक्लियर एक एटम है, इस तरह से दिखा रहे हैं, ये इसका पहला शेल, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, दीज आर दी शेल्स इन केस ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, दी शेल्स वेर कॉल्ड ऑर्बिट्स, इनको अपन ने ऑर्बिट बोला। तो ये जो ऑर्बिट हैं, जैसे पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट, नाउ दीज आर इन मॉडर्न थ्योरी या मॉडर्न क्वांटम थ्योरी दीज आर कॉल्ड शेल्स बिकॉज दे आर स्फेरिकल इन नेचर, क्योंकि रदरफोर्ड की थ्योरी भी रिजेक्ट हो गई थी अब, क्योंकि अपन नया बोहर क्वांटम मॉडल डेवलप कर रहे हैं, इसलिए अपन उनको शेल बोलेंगे। तो ये जो शेल है, पहला शेल आप 9th क्लास में इसको ऑर्बिट के नाम से बोलते थे, हो सकता है आपने शेल भी बोला हो, पर अपन पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल और एंड सो ऑन ऐसे चलते जाते हैं। तो ये जो शेल हैं एक हाइड्रोजन के एटम के अरेंजमेंट को दिखाते हैं, उसके सराउंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो, अब हाइड्रोजन में तो एक इलेक्ट्रॉन होगा और वो एनर्जी के हिसाब से कहाँ कहाँ माइग्रेट करता है, ये उसकी लोकेशन है। अब दूसरा क्या होता है, जब अपने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम देखा तो अपने को बहुत सारी लाइनें मिली। देखो लाइन कैसे मिली, कुछ लाइनें उनको अपन अलग अलग सीरीज बोलते हैं, कुछ लाइनें लाइमन सीरीज की थी, कुछ बामर, कुछ पाश्चर, कुछ ब्रैकेट, कुछ पीफन, इस तरीके से। तो उनको क्या एक्सप्लेन किया गया, क्योंकि इनकी वेवलेंथ अलग अलग थी,
अब क्या होता है एक एटम में, जरा आप समझना, एक एटम में जो न्यूक्लियस होता है उसकी इनसे दूरी पर अपन जाते हैं, जानते हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता जाता है उसकी एनर्जी बढ़ती जाती है, उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। जैसे पहले अगर ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, पहले शेल में रिवॉल्व कर रहा है, तो दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करेगा उसकी एनर्जी दूसरे शेल वाले की पहले से ज़्यादा होगी, तीसरे की दूसरे से ज़्यादा होगी, चौथे की तीसरे से, इस तरह से एनर्जी का जो ऑर्डर है वो ऊपर जाने पर बढ़ता जाता है, एनर्जी बढ़ती जाती है एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा था वो यहाँ जा सकता है और ऊपर जाएगा, दूसरे में जा सकता है और ऊपर इधर से जा सकता है, जो इलेक्ट्रॉन दूसरे में पहुंचा वो तीसरे में जा सकता है, चौथे में जा सकता है, जो तीसरे में था वो डायरेक्ट चौथे में जा सकता है। तो इससे क्या हुआ, अब हर एक की एनर्जी का गैप है, हर एक ऑर्बिट के बीच में एनर्जी का गैप है, जिसको अपन इंडिकेट करते हैं सपोज करो डेल्टा ई से, और इस एनर्जी गैप के बराबर जो अगर कोई वेवलेंथ अपन ढूंढते हैं तो उस डेल्टा ई गैप की जो एनर्जी की मिलती है वो मान लो एच न्यू है। तो हर एक ऑर्बिट की अपना अपना एनर्जी गैप है, और ये इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी जो आप प्रोवाइड करा रहे हैं एक्सटर्नल रेडिएशन से आप जो दे रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है और जितनी अमाउंट उसको मिली उसके हिसाब से वो डिसीजन लेता है कि मुझे कौन से ऑर्बिट में जाना है, दूसरे में जाना है। अगर आप उसको दूसरे के बारे गैप बराबर ज़्यादा एनर्जी देंगे तो वो दूसरे में जाएगा, अगर आप उसको तीसरे के बराबर एनर्जी देंगे तो वो तीसरे में जाएगा, अगर आप उसको चौथे के बराबर देंगे डायरेक्ट तो वो पहले से चौथे में चल जाएगा। तो इस तरीके से जब आपको सेट ऑफ एनर्जी मिलते हैं, मतलब दिस इज कॉल्ड सीढ़ी नुमा व्यवस्था बोल सकते हैं, कि आपको कैसे जाना है, आपकी अगर छोटा बच्चा अगर सीढ़ी चढ़ रहा है तो एक एक सीढ़ी चढ़ेगा, कोई बड़ा चढ़ रहा है तो एक पाँच तीन एक पाँच सात ऐसे एक तीन पाँच सात इस तरह से चढ़ता जाएगा एक एक सीढ़ी को छोड़ के, और बड़ी किसकी टांगे तो वो एक से चार पे जाएगा डायरेक्ट। तो इस तरीके से ये जितना ज़्यादा आप एनर्जी का गैप कवर कर रहे हैं तभी कर पाएंगे जब आपको उतनी एनर्जी मिलेगी। इसलिए पहले ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन को अगर चौथे में जाना है तो फर्स्ट से फोर्थ तक जाने में आपको एक एनर्जी उतना एनर्जी जरूर देना ही, सप्लाई करना ही पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को, तभी हो जाएगा। और इसका उल्टा भी होगा, जब वो चौथे से वापस आएगा तो वो चौथे से वापस आने के पास उसको अनुप्रास्त है, चौथे से आएगा तो तीसरे में आ सकता है, चौथे से डायरेक्ट दूसरे में आ सकता है, फोर्थ से डायरेक्ट पहले में आ सकता है, तो या जो चार से तीन, तीन से दो, दो से एक में आ सकता है, तो इस तरीके से अलग अलग उससे भी आ सकता है। तो ये सभी अरेंजमेंट जब अपन एटॉमिक अरेंजमेंट मतलब स्पेक्ट्रम जब देखते हैं हाइड्रोजन का, तो अपने को इस तरह की वेवलेंथ देखने को मिलती है। जब मैं वेवलेंथ निकालता हूँ अलग अलग वेवलेंथ की, तो मुझे पता चलता है कि यार ये वेवलेंथ तो डेल्टा ई वन है जो पहले और दूसरे का गैप है, ये जो वेवलेंथ मिली है डेल्टा ई टू है जो दूसरे और तीसरे के गैप के बराबर है, तीसरी और जो वेवलेंथ मिली वो डेल्टा ई थ्री है जो तीसरे और चौथे के गैप के बराबर है, ई फोर है जो पहले और दूसरे के तीसरे के बराबर है, पहले और तीसरे के गैप के बराबर, ई फाइव है जो पहले और पांचवें के, इस तरह से नंबर ऑफ वेवलेंथ आपको मिलती है। तो ये जो वेवलेंथ मिलती है ये इस बात को सोचने पर मजबूर करती है कि हो ना हो एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन की जो अरेंजमेंट है, जो ऑर्बिट्स हैं, जो शेल है, वो उनकी एनर्जी क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड मतलब आप हमेशा, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आप हमेशा पहले से दूसरे में जा सकते हो, दूसरे से तीसरे में जा सकते हो, तीसरे से चौथे में जा सकते हो, इलेक्ट्रॉन कभी भी पहले से दूसरे के बीच में पड़ा नहीं रहेगा। क्या आपने यार पहले और दूसरे के बीच में जो एनर्जी गई उससे कुछ कम एनर्जी थी तो इलेक्ट्रॉन पहले से थोड़ा सा ऊपर उड़ गया लेकिन वो दूसरे में नहीं गया क्योंकि उसको एनर्जी कम पड़ गई, ऐसा नहीं। जब तक आप उसको डेल्टा ई वन के बराबर एनर्जी सप्लाई नहीं करेंगे जो इस एनर्जी गैप के बराबर, तब तक वो हिलेगा भी नहीं वहाँ से इलेक्ट्रॉन। जब आप उसको ठीक उतनी एनर्जी देंगे जितना एनर्जी गैप है पहले और दूसरे ऑर्बिटल का, तब इलेक्ट्रॉन ठीक जब ट्रांजिट कर जाएगा अगली शेल। तो ये है बेसिकली क्वांटाइज का मतलब कि सीढ़ी नुमा, आप हमेशा किसी भी अल्टीट्यूड पर चढ़ रहे हो और वो सीढ़ी नुमा रहेंगे तो आप हमेशा आपकी जो भी आप चढ़ाव करेंगे वो हमेशा एक सिंगल सीढ़ी के मल्टीपल में होगा। आप एक चढ़ सकते हैं, दो चढ़ सकते हैं, तीन चढ़ सकते हैं, आप डेढ़ नहीं चढ़ सकते, आप ढाई नहीं चढ़ सकते। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी इन एटॉमिक ऑर्बिट्स। एटॉमिक ऑर्बिट्स में हमेशा क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी होता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ जब आपने इमिशन या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखा तब आपको पता चला कि ये आपको हमेशा अलग अलग वेवलेंथ सेटअप वेवलेंथ क्यों मिलते हैं, और उनकी जब आपने एनर्जी की वैल्यू निकाल के देखी तो आपको पता चला कि हाँ यार हो ना हो इनमें एटम्स के अक्रॉस जो शेल हैं, ऑर्बिट्स हैं, इनमें क्वांटाइजेशन होगा, इनकी एनर्जी फिक्स होगी, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन कभी भी डिसाइड नहीं कर सकता, वो हमेशा इन स्टेशनरी स्टेट में ही पड़ा रहेगा। ये ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट शेल, अब अपन इसको शेल बोलते हैं, रदरफोर्ड ने इनको ऑर्बिट्स बोला था। तो ये क्वांटाइजेशन का डायरेक्ट एविडेंस था स्पेक्ट्रा लाइन का मिलना किसी एटॉमिक स्पेक्ट्रम। अब यहाँ पर अपन ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को देखा, अपने सिलेबस में दिया है लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम,
तो लाइन स्पेक्ट्रा जब हाइड्रोजन एटम को देखता हूँ, इसका मतलब मैं हाइड्रोजन एटम को रेडिएट कराता हूँ। सपोज कीजिए ये एक हाइड्रोजन का इमिशन स्पेक्ट्रा, इमिशन इसलिए क्योंकि आपने रेडिएशन को अप्लाई कर दिया है, आप रेडिएट कर दिया है सैंपल को, उसके बाद अब आप उसमें जो लाइट वेवलेंथ जो आएगी आपकी इमिट आउट होगी उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। जब आप इसको ऑब्जर्व करते हैं तो आप देखते हैं, पहले तो ये आपको बता दूं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स है ये सब आपकी शेल को दिखाती हैं, ये पहला शेल न्यूक्लियस के पास वाला, उसके बाद दूसरा इसको मैंने स्ट्रेट दिखा दिया है ताकि आपको समझ में आए, अदरवाइज शेल आर ऑलवेज स्फेरिकल। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, इस तरह से सात सेल दिखाएं। अब आपको बोलेंगे कि सर हाइड्रोजन में तो एक ही सेल होता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसा नहीं है। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन जरूर है लेकिन उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के हिसाब से शेल चेंज होता जाता है। अगर आप उसको एनर्जी देंगे, ग्राउंड स्टेट में रहेगा तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पहले ही शेल में रिवॉल्व करता रहेगा, आप उसको थोड़ी एनर्जी देंगे दूसरे में जाएगा, आप उसको थोड़ी और देंगे तीसरे में जाएगा, और देंगे चौथे में जाएंगे, जिस शेल के करस्पॉन्डिंग आप उसको एनर्जी देते जाएंगे उस तरह से वो एक्साइटेड स्टेट में पहुँचता जाएगा। जब आप उसको उतनी एनर्जी दे देंगे कि वो ठीक ठीक पहले ऑर्बिटल के बराबर एनर्जी हो, तो आप वो जो एनर्जी होती है पहले ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन की पहले ऑर्बिट में स्टेशनरी फेज में होती है एनर्जी दे देंगे, तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के एटम को चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पर मैंने सैंपल को रेडिएट कर दिया, ये मान लिया है कि जितना भी इलेक्ट्रॉन था वो एक्साइटमेंट की चरम सीमा पे पहुँच गया है, हाईएस्ट लेवल पे पहुँच गया, इन्फिनिटी बोलते हैं उसको। कहाँ पे पहुँच गया है? इन्फिनिटी। तो जब इलेक्ट्रॉन एन इजिक्वल टू इन्फिनिटी से कहीं एन इजिक्वल टू इन्फिनिटी मतलब किसी भी ऑर्बिट से इन्फिनिटी, वो हो सकता है सातवां हो सकता है, छठा हो सकता है, पांचवा हो सकता है, चौथा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, दूसरा हो सकता है, इन सभी ऑर्बिटल में से कहीं से भी पहले ऑर्बिट में जब आएगा तब जो सीरीज आपको मिलेगी रेडिएशन की, आएगा तो देखो आएगा तो क्या होगा, उसकी एनर्जी डिक्रीज होगी, और एनर्जी डिक्रीज होगी तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन, ये आप 12th में फिजिक्स में पढ़ेंगे, मैंने बड़े चार्ज पार्टिकल मूव्स इन और एक्सेलरेटेड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब आप एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेट करते हैं तब आपको रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी इमिट आउट होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है और इलेक्ट्रॉन जब चार्ज होगा तो वो एक हायर एनर्जी जोन से लोअर एनर्जी जोन में आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्रेडियंट के हिसाब से आ रहा है तो हमेशा एनर्जी को इमिट आउट करेगा, एंड दिस एनर्जी विल बी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, ईएम रेडिएशन। तो इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आएगा तो वो पहले ऑर्बिट तक आएगा तो ये एनर्जी इमिट आउट करेगा, और वो जो एनर्जी मिलेगी वो जो सीरीज होगी वो अल्ट्रावायलेट टाइप की होगी, और ये जो है लाइमन नाम के साइंटिस्ट ने देखी थी, दैट व्हाई दिस इज कॉल्ड लाइमन सीरीज। कहीं से भी n इज इक्वल टू इन्फिनिटी से n इज इक्वल टू 1 का जो ट्रांजिशन होगा दैट इंडिकेट्स दैट इज द लाइमन सीरीज। अब वही इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू इन्फिनिटी से सेकेंड ऑर्बिट में आ रहा है, सेकेंड सेल में आ रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन कहीं से भी सेकेंड सेल में आएगा तब जो सीरीज आपको मिलेगी दैट विल बी बामर सीरीज, बामर ऑन द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट बामर। अब तीसरी सीरीज बामर सीरीज इज विजिबल लाइट सीरीज, ये विजिबल लाइट की ये देख सकते हैं आप, विजिबल लाइट की दिस विल बी विजिबल टू यू, अदर दिस इज अल्ट्रावायलेट, और ये जो पास्चन है ये आईआर सीरीज है, इंफ्रारेड रेडिएशन की। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पास्चन सीरीज तब मिलेगी जब इलेक्ट्रॉन कहीं से भी तीसरे शेल में आए, उसके बाद दो और सीरीज मिलती है जो इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है, ब्रैकेट और पी फंड। तो इन सीरीज का मिलना ही ये बताता है कि हाइड्रोजन के एटम में ऑर्बिट्स की या सबसे की इस तरह से अरेंजमेंट होगी। जब अपने को ये सीरीज मिली तब अपन ने दिमाग लगाया कि अच्छा ये पहला ऑर्बिट होगा या दूसरा होगा या तीसरा होगा, फिर इस तरह से ही एनर्जी भी एब्जॉर्ब होती होगी, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आते होंगे, तब अपने को ये पता चला कि देयर इज द क्वांटाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन एनी एटम। तो सो स्टूडेंट, इसके प्रेडिक्शन क्या होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल किस तरह से बोहर ने डेवलप किया, ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।